to all my viewers, welcome back to Anushi's Creative Life. तो गाइज जो कि ये बर्थडे का ब्लॉग है, मैं ये मेरी फ्रेंड की बर्थडे बेटा का बर्थडे है, तो मुझे जो कि आज मिला है पनीर की सब्जी बनाने के लिए, तो मैं अभी पनीर की सब्जी मैं कर रही हूँ रेडी, जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा। मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर चुकी हूँ, जो कि गाइज आपको मैं एक बताना चाहूँगी, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी कुकिंग करती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ किचन में, क्योंकि छोटा बेबी है। तो मैं क्या करती हूँ गाइज, जब सैटरडे संडे रहता है, मेरे हस्बैंड पर छुट्टी रहता है, तो सैटरडे संडे रहता है तो मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि टाइम निकाल के मैं लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लेती हूँ। इस टाइप का जैम का बॉटल में मैं रख लेती हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा मैं टर्मरिक एंड मस्टर्ड ऑयल ऐड करती हूँ, क्योंकि आप इसको अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के 15 days या 1.5 months भी रखते हो तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसमें हल्दी और जो कि बोलना चाहूँगी कि मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हो तो ठीक है, ये मैं जल्दबाजी रहता है ये मैं कर लेती हूँ। और दूसरा ये मैं होममेड मसाला बना के रखती हूँ, ये जैम का बॉटल में मैं रखी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है, तो ये मैं मसाला इसमें ऐड कर देती हूँ। तो जो कि बताना चाहूँगी कि मैं कहीं पर भी मेरे को कुकिंग करना रहता है या फिर कहीं खाना लेकर जाना रहता है, पॉटलक या कुछ भी, मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो रहता है ना, मैं वो ऑलमोस्ट मैं रेडी करके रखती हूँ, तो मैं खाना बनाने में मुझे ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। तो अभी मैं फटाफट रेडी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा टर्मरिक भी ऐड की हूँ। और मैं ना हर खाना में जो भी बताना चाहूँगी कि मैं हींग डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे को आदत हो गया है, मेरा छोटा बेबी है, और हींग ऐड कर देने से क्या होता है कि बच्चे लोग खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब किसी भी खाना में हींग डालो वो एकदम परफेक्ट वे में रहते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छा आता है, और खाना का जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा इंक्रीज कर देता है, मेरे को ऐसा लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर खाना में, हर खाना में मैं हींग ऐड करती ही हूँ, मतलब ऐसा कोई खाना नहीं होती है जिसमें मैं हींग नहीं ऐड करती हूँ। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये मेरा मसाला रेडी हो गया। और यहाँ मैं कुछ फ्राई अनियन रखी हूँ, इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लोग जितने गेस्ट आ रहे हैं इसको राइस के साथ खाना लोग पसंद करते हैं। तो गाइस ये मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है थोड़ा सा, और इसका जो ग्रेवी रहता है ना वो बहुत स्मूदी टेक्सचर में लगता है, तो मैं इसको झटपट वे में करती हूँ। आई होप सबको ये पसंद आए, दैट्स ऑल। मतलब कुछ भी बनाओ और लोग को पसंद आने से ही आपका वही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि दैट हाँ चलो अच्छा लगा लोग को, और क्या चाहिए। कोई भी खाना बनाओ बस अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि लोग ऑब्वियसली खाना आप बना रहे हो और वो प्रॉपर नहीं बनेगा, एक तो सामान का वेस्टेज, दूसरा आपका दिल भी छोटा हो जाता है कि अरे यार इतना मेहनत किया और वो टेस्ट नहीं होता प्रॉपर वे में आया। तो आई विश ये सभी को पसंद आए। तो मैं चाहूँगी कि मैं मोस्टली मैं बहुत जल्दी जल्दी में, मतलब कि मैं बहुत स्पीड वे में काम करती हूँ ना, तो मैं कोशिश रहता है कि मैं हर कुछ शॉर्टकट वे में काम करूँ, ताकि मैं डुकुक के लिए भी थोड़ा टाइम रख सकूँ। तो ये मैं सैटरडे संडे देवर्षी घर पर रहते हैं तो मैं उसको डुकू को देती हूँ, और यहाँ पे मैं फटाफट इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर अपना जो मसाला का जो पेस्ट है पाउडर है, मैं मोस्टली अगर आप लोगों को होममेड मसाला अगर पसंद है, जो बाहर से जो लोग खरीद के लाते हैं वो जो
मसाले वाले दुकान से, अगर आप एक बार आप मेरे ये वाला ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छे हैं। इसका भी मैं यूएस आके ही ये ट्राई की थी, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा निकला। और मैं बहुत लोगों को, जैसे कि मेरे घर में जितने गेस्ट आते हैं, सब इसी मसाला से मैं खाना बना के खिलाती हूँ। अगर किसी को ये मसाला का रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपना ये जो होममेड मसाला बनाऊँ, तो आप लोग के साथ मैं ये शेयर कर सकूँ। ओके, और हम सब बर्थडे में पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ी लेट पहुंची वहां पे, हमारे सारे फ्रेंड्स पहुंच चुके थे। थोड़ी से मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ एक ब्लेंडर प्रॉब्लम हो गए थे, जिस वजह से मैं थोड़ी लेट आई। बट जैसी आई तो देखी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाले थे, सभी कोई हमारे वेट कर रहे थे। मैं जैसे पहुँचती हूँ तो यहाँ के डेकोरेशन देख के तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई अपनी फ्रेंड की। इनफैक्ट मैं सोची हूँ कि मैं डुबू के बर्थडे में भी कुछ इसी टाइप का डेकोरेशंस आइडिया अप्लाई करूँगी। और लिखित, ये बेबी का नाम लिखित है, ये थोड़ा सा क्रैंकी मूड में हो गया था जस्ट फॉर इतने गेस्ट देख के। वो नेचुरल सी बात है, सभी बच्चे छोटे एज में ना थोड़े गेस्ट देख के ऐसे ही थोड़े क्रैंकी मूड में हो जाते हैं। बट नो इशू, पार्टीज बहुत अच्छे हुए थे। और ये सब हमारे यूएस के फ्रेंड है, जो कि सब यूएस में ही हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। और ये रहा मेरा बेटा डुक्कू। तो गाइज, यहाँ आप इतने सारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे। और ये डुगू को देखिए, डुगू को मैं एक लॉलीपॉप देके उसको थोड़ी सी शांत की हूँ, बिकॉज़ वो डेकोरेशंस के कभी बलून को वो लेने के ज़िद कर रहा है, तो कभी वो पेपर जिराफ लेना चाह रहा है। तो मैं उसको जैसे मैं वहाँ पे लॉलीपॉप देखी, तो मैं उसको एक लॉलीपॉप देख के मैं थोड़ी सी शांत करवा दी। और ये देखिए सब बच्चे कितना मस्त वे में ये लोग खेल रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। डुगू भी थोड़ा बहुत मस्ती मार रहे हैं। और ये सभी बच्चे ये टॉयज़ के पीछे बहुत परेशान थे। ये टॉयज़ का क्या नाम है मुझे ठीक से नहीं पता है। और यहाँ दो बच्चे को आप देख सकते होंगे, ये थोड़ा सा शरारत कर रहे हैं। मैं धीरे से यहाँ पे इन दोनों का बदमाशी को रिकॉर्ड कर ली हूँ, जस्ट फॉर मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि बच्चे भी देखो किस कदर से लोग एक दूसरे के साथ में मस्ती मारे हैं। ये हमारी फ्रेंड ग्रुप में एक भूविका है, बच्ची बहुत बहुत क्यूट है, सुपर एक्टिव बच्ची है। और ये हमारे फ्रेंड के दूसरे बच्चे व्यांस को वो इंस्ट्रक्ट कर रही है, वो उसकी बात शायद वो प्रॉपर वे में वो सुन नहीं रहा, वो गुस्से होकर उसको पिंच करके भाग गए, जो कि मुझे ये बहुत क्यूट लगा। क्योंकि हमारे जब हम भी छोटे होते थे तो हम भी कुछ इसी टाइप के ही सेम टेक्निक अप्लाई करते थे। और यहाँ देवर्षि को मैं देखी फुल ऑन मस्ती मूड में है, तो मैं उनको भी थोड़ा सा अपने वीडियो में कैप्चर कर ली। मैं बोली चलो इसको भी कैप्चर करना बनता है। तो गाइज़, आप सभी को मैं एक बहुत पहले बताई थी कि दैट यहाँ पे सभी बच्चे अपने एक टेंट रखते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि हम मेरी फ्रेंड भी अपने बच्चे के लिए एक सुंदर सा टेंट रखी है। और गाइज़, यहाँ पे बहुत टेस्टी यमी फूड है। और आइए, बर्थडे का फूड मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो मैं कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइज़, क्योंकि मैं लेट भी पहुँची थी और बहुत दिन के बाद मैं अपनी सारी फ्रेंड से मिली, तो मैं थोड़ी सी चिट चैट करने लगी। तो जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की, और आप सभी को मैं अपनी यूएस के बर्थडे पार्टी में आप लोगों को
शेयर करना चाहिए अपनी मेमोरीज। तो अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो कि आप डुगू को देख सकते होंगे कि वो एक अच्छा सा शॉपिंग कार्ट के साथ में वो खेलने में पूरे मगन है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी न्यू ब्लॉग के साथ। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।